हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, आज ही हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेशन है। ये हमारी लास्ट क्लास है इंजीनियरिंग ड्राइंग की, जो हमारा चैप्टर चल रहा था रेखाओं से संबंधित, ठीक है, लाइन से संबंधित। तो इसमें कुछ ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन हैं, उनको देख लेते हैं, लास्ट वीडियो है। और ये सभी ट्रेड के लिए कॉमन जो है लेसन है, तो कोई भी ट्रेड का स्टूडेंट है इसको वॉच कर सकता है। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त लंबाई की सीधी रेखा है, कौन सी उपयुक्त लंबाई की सीधी रेखा कौन सी है? क्या ए है, क्या बी है, क्या सी है, या फिर डी है? तो इसमें क्या बोला, उपयुक्त लंबाई की सीधी रेखा कौन सी है, तो डी हमारे क्या है, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है, अनुपयुक्त है, कितनी भी लंबी हो सकती है, लेकिन इसमें क्या, एक पॉइंट से क्या दूसरे पॉइंट तक जा रही है, ठीक है। तो ये डी आंसर इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है। सेकंड नंबर है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिसमें निरंतर दिशा परिवर्तित होती रहती है खालिस्तान रेखा कहलाती है। यानी कि दिशा परिवर्तित कैसे होती रहती है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो कौन सी रेखा होती है? क्या तिरछी रेखा, क्या वक्र रेखा, क्या क्षैतिज रेखा, या फिर सीधी रेखा? कौन सी रेखा होती है? तो डियर फ्रेंड, वो होती है हमारी वक्र रेखा, ठीक है। इसकी क्या है, कंटिन्यू क्या है, दिशा परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन है वो सभी ट्रेडों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, दिल से अटैच होकर देखिएगा, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे किसी प्रकार का। नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर, किसी बिंदु से होती हुई रेखा जो अपनी दिशा परिवर्तित करती रहती है, किसी बिंदु से होती हुई रेखा अपनी दिशा परिवर्तित करती रहती है, वह होती है सीधी रेखा, वक्र रेखा, तिरछी रेखा, या फिर समांतर रेखा। तो वो कौन सी होती है डियर फ्रेंड, वक्र रेखा होती है, जस्ट आपने अभी देखा था सेकंड नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर, वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान रहे तथा उन्हें आगे बढ़ाने पर वे एक दूसरे को न काटे, क्या रहे, वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान रहे और इनको कितना भी आगे बढ़ा लो एक दूसरे को नहीं काटती है, वो कौन सी रेखाएं होती है? समांतर रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, या फिर तिरछी रेखाएं? तो वो कौन सी रेखाएं होती है डियर फ्रेंड, वो होती है हमारी समांतर लाइन है, पैरेलल लाइन, ठीक है। नेक्स्ट है 5 नंबर, नीचे चित्र में रेखा के प्रकार की पहचान कीजिए, इसमें 4 लाइनें दे रखी है, इसमें 2 लाइनें दे रखी है गोलाई में, इनकी पहचान करनी है, कौन सी रेखा है, क्या क्षैतिज रेखा है, हॉरिजेंटल लाइन, पर्वण रेखा, समांतर रेखा, पैरेलल लाइन, लंबवत लाइन, ठीक है, कौन सी लाइन है? तो डियर फ्रेंड, हमें क्या है, क्लियरली पता चल रहा है ये कौन सी है, पैरेलल लाइन है, कौन सी, समांतर लाइन है, ठीक है डियर फ्रेंड। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा 5 नंबर का सी आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है 6 नंबर, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ड्राइंग में प्रयोग की जाने वाली कुछ रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है तथा कुछ रेखाएं कभी भी किसी बिंदु पर नहीं मिलती है। जो रेखाएं किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती है वह क्या कहलाती है, यानी कभी भी किसी भी बिंदु पर वो मिलेगी नहीं, तो वो कौन सी रेखाएं होगी, क्या समांतर रेखाएं होगी, क्या कटान रेखाएं होगी, क्या लंब रेखाएं होगी, या फिर निर्माण रेखाएं होगी? तो वो कौन सी रेखाएं होगी, वो होगी डियर फ्रेंड हमारी समांतर रेखाएं, तभी तो वो किसी पॉइंट पर काटेगी नहीं, समांतर नहीं होगी तो वो कोई ना कोई तो पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर वो काटेगी एक दूसरे को, ठीक है। नेक्स्ट है 7 नंबर, दी गई आकृति में किस प्रकार की लाइनों को दर्शाया गया है, ये हमें क्या फिगर दिया हुआ है नीचे, इनमें किस प्रकार की हमें आकृति दिखाई हुई है, राइट एंगल बने हुए, क्या वक्र रेखा है, समांतर रेखा है, लंबवत रेखा है, या फिर सीधी रेखा है? तो डियर फ्रेंड, हमने क्या लेसन में क्लियर किया था, कौन सी रेखाएं हैं, लंबवत रेखाएं हैं, ठीक है। लंबवत रेखाएं इस प्रकार से बनती है, आपके माइंड में रहना चाहिए, ठीक है। कई बार क्या होता है, फिगर देकर आपको नाम पूछ लिया जाता है या नाम देकर फिगर बनाना आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 8 नंबर, वे रेखाएं जो क्षैतिज रेखाओं को 90 डिग्री पर बनाती है, कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर, कितना कोण बनेगा, क्षैतिज रेखाओं में 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो वो कौन सी होती है, समांतर रेखाएं, तिरछी रेखाएं, लंब रेखाएं, या फिर ऊर्ध्वाधर रेखाएं? अब क्या क्षैतिज हॉरिजेंटल रेखाओं पर 90 डिग्री का कोण कौन सी बना सकती है, वर्टिकल लाइन बना सकती है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, यानी वर्टिकल लाइन हमारा आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। अब 9 नंबर में क्या दिया हुआ है? 9 नंबर में दिया हुआ है किसी वस्तु की आउटलाइन हेतु प्रयुक्त रेखाएं कहलाती है। आउटलाइन के लिए प्रयुक्त रेखाएं क्या कहलाती है? निर्माण रेखाएं, विमा रेखाएं, आदर्श रेखाएं या ऑब्जेक्ट रेखाएं। तो कौन सी लाइन होती है डियर फ्रेंड? तो वो होती है हमारी ऑब्जेक्ट लाइन। कौन सी लाइन होती है? ऑब्जेक्ट लाइन होती है, यानी कि डी आंसर इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है 10 नंबर, वे रेखाएं जो दोनों किनारों पर तीर के निशान द्वारा बंद रहती है। दोनों किनारों से क्या है? तीर के निशान द्वारा बंद रहती है। कौन सी रेखाएं होती है? निर्माण रेखाएं, विमा रेखाएं, आदर्श रेखाएं या ऑब्जेक्ट रेखाएं। कौन सी होती है? वो होती है हमारी विमा रेखाएं। ठीक है, 10 नंबर में क्या हो जाएगा हमारा? बी आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर, इसमें दिया हुआ है निम्न में से कौन सी विमा रेखा सही प्रक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है। कौन सी विमा रेखा वो सही प्रक्रिया प्रदर्शित है वो नहीं कर रही है? क्या ए वाली, क्या बी वाली, क्या सी वाली या फिर डी वाली? तो कौन सी सही प्रदर्शित नहीं कर रही है? तो इसमें हमारी ए वाली है वो सही प्रदर्शित है वो नहीं कर रही, क्योंकि इसके साइड में हम क्या है माप नहीं देते हैं, ऊपर या नीचे या बीच में इस टाइप की क्या है माप दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर, इसमें क्या दिया हुआ है? 12 नंबर में क्या दिया हुआ है? 12 नंबर में हमें क्या एक फिगर दर्शाया हुआ है, इसमें एक्स भाग का क्या मान गया सॉरी एक्स भाग द्वारा प्रदर्शित की गई रेखा का नाम बताएं। अब एक्स कहां पर है? यहां पर है। इस रेखा का नाम पूछा गया है, क्या एक्सटेंशन रेखा है, विमा रेखा है या फिर विमा रेखा की समाप्ति है या फिर लीडर रेखा है? तो कौन सी रेखा है? एक्स रूप से जो है वो कौन सी हमारी विमा रेखा है। ठीक है, ये कौन सी लाइन होती है हमारी? विमा रेखा। ठीक है डियर फ्रेंड, नेक्स्ट है 17 नंबर, दी गई लाइनों में स्थित पतली जिगजेग लाइन का कौन सी है। अब जिगजेग लाइन पूछी गई है इसमें, तो जिगजेग लाइन हमारी कौन सी होती है डियर फ्रेंड? तो डी वाली हमारी क्या है? जिगजेग लाइन है। इसको क्या है? लॉन्ग ब्रेक लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, दीर्घ खंड लाइन, और इसको शॉर्ट ब्रेक लाइन बोलते हैं, लघु ब्रेक लाइन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 18 नंबर है, इसमें क्या दिया हुआ है? नीचे दिए गए चित्र में एक्स रेखा एक्स दर्शाती है। एक्स रेखा क्या दर्शा रही है? तो ये क्या है? लॉन्ग ब्रेक लाइन है। क्या है? लॉन्ग ब्रेक लाइन है। तो ये क्या दर्शा रही है? दीर्घ खंड रेखा, लघु खंड रेखा, विमा रेखा या फिर विस्तार रेखा? तो क्या दर्शा रही है? दीर्घ खंड रेखा दर्शा रही है। ठीक है, 18 नंबर में क्या हो जाएगा? ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर, इसमें क्या दिया हुआ है? 13 नंबर में दिया हुआ है निम्न चित्र में प्रदर्शित रेखा एक्स क्या प्रदर्शित कर रही है? एक्स रेखा। कौन सी? एक्स लाइन। ये लाइन, इस लाइन का नहीं पूछा, इस लाइन का पूछा गया। तो ये लाइन हमारी क्या प्रदर्शित कर रही है? विस्तार रेखा प्रदर्शित कर रही है, वस्तु रेखा, लीडर रेखा या प्रक्षेप रेखा? तो क्या प्रदर्शित कर रही है? विस्तार रेखा प्रदर्शित कर रही है। ए आंसर इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 19 नंबर, इसमें क्या है? नीचे दिए गए चित्र में रेखा एक्स को पहचानिए। अब इसमें क्या है? डॉटेड डॉटेड लाइन दी हुई है। क्या दी हुई है? डॉटेड लाइन दी हुई है। तो इसका नाम क्या है? क्या केंद्र रेखा है, क्या आदर्श रेखा है, क्या निर्माण रेखा है या फिर ऑब्जेक्ट रेखा है? तो कौन सी रेखा है डियर फ्रेंड? ये हमारी है हिडन लाइन, यानी कि आदर्श रेखा। ये पीछे का कोई कटा हुआ भाग है, उसको दर्शाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर, इसमें क्या दिया हुआ है? निम्न में से किस विकल्प में लीडर रेखा का गलत प्रदर्शन किया गया है? किसका? लीडर रेखा का गलत प्रदर्शन किया गया है। क्या फर्स्ट वाली लीडर रेखा, क्या सेकंड वाली लीडर रेखा, क्या थर्ड वाली लीडर रेखा, क्या फोर्थ वाली लीडर रेखा? यानी कि गलत कौन सी इन लाइनों में से जो गलत प्रदर्शित कर रही है, यानी कि जो इसका एरो का निशान लग रहा है वो गलत लग रहा है या फिर लाइन ही गलत है? तो क्या गलत है? तो डियर फ्रेंड हमारा डी वाला फिगर है वो गलत है। इसमें एरो यहां पर नहीं आएगा, या तो यहां पर सेंटर में आएगा, लाइन के ऊपर आएगा या फिर इसके ऊपर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर, तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत सी रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, उस रेखा की पहचान कीजिए जो आदर्श रेखा के रूप में प्रयोग की जाती है।
हैदर से रेखा कौन सी होती है, हिडन लाइन कौन सी होती है, क्या फर्स्ट वाली, क्या सेकंड वाली, क्या थर्ड वाली या फिर फोर्थ वाली, कौन सी रेखा हमारी हिडन लाइन होगी? तो डियर फ्रेंड हमारी हिडन लाइन होती है ए वाली, ठीक है डियर फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट हमारा 15 नंबर। 15 नंबर में क्या है, नीचे दिए गए चित्र में लीडर लाइन की पहचान कीजिए। लीडर लाइन कौन सी है, ए बी सी डी, चार दे रखे हैं, सी वाला इधर है, ए वाला इधर है, बी वाला इधर है और डी वाला इधर है, तो इसमें से लीडर लाइन कौन सी है? तो डियर फ्रेंड हमें मालूम होना चाहिए कि लीडर लाइन कौन सी होती है। हमारी जो लीडर लाइन होती है वो कोई चीज को दर्शाती होती है, जैसे कि ये सी वाली है वो हमारी क्या है, लीडर लाइन है, ये क्या इस चीज को दर्शा रही है, ठीक है। तो सी आंसर हमारा क्या है, करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट है हमारा 21 नंबर। नेक्स्ट क्या है, 21 नंबर, इसमें क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए चित्र में रेखा एक्स को पहचानिए। अभी एक्स रेखा कौन सी है, तो डियर फ्रेंड हमें क्लियर दिखाई दे रहा है ये एक्स रेखा कौन सी है, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िए कौन सी रेखा है, क्या निर्माण रेखा है, क्या केंद्र रेखा है, क्या आदर्श रेखा है, क्या विमा रेखा है, कौन सी रेखा है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िएगा। आगे देखते हैं 16 नंबर, आगे इसमें क्या दिया हुआ है, ड्राइंग में विभिन्न प्रकार की रेखाएं उपयोगी होती है, आरेख में रेखा एक्स प्रदर्शित करती है, एक्स है वो क्या प्रदर्शित कर रही है, एक्स क्या प्रदर्शित कर रही है, ये हमारी कैसी है, शॉर्ट ब्रेक लाइन है, क्या है, शॉर्ट ब्रेक लाइन है, तो क्या प्रदर्शित करेगी, एस तत्व, इस तत्व का प्रदर्शन या आधे दर्श का प्रदर्शन, पुनः निर्माण के लिए इस तत्व का प्रदर्शन या फिर इस तय के एक भाग का प्रदर्शन, तो ये किसका प्रदर्शन कर रही है, तो ये कर रही है आधे दर्शे का प्रदर्शन, किसका कर रही है डियर फ्रेंड, ये कर रही है हमारे आधे दर्शे का प्रदर्शन, ठीक है डियर फ्रेंड। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा 22 नंबर, चित्र में दी गई एक्स रेखा का नाम बताइए। अब ये क्या है, एक्स, ये वाली रेखा इधर आगे वाली, ठीक है, एक्स रेखा का नाम बताइए कौन सी है, लघुखंड रेखा है, खंडित पतली रेखा है या फिर श्रृंखलित पतली रेखा है या फिर इनमें से कोई नहीं, तो एक्स रेखा कौन सी है डियर फ्रेंड, तो इसमें से हमारी एक्स रेखा है वो है खंडित पतली रेखा, अलग से एक क्या खंड दर्शाया जा रहा है, पतली रेखा है, ठीक है, मोटी होती तो खंडित मोटी रेखा के नाम से जानते, ठीक है। और हमारा 21 नंबर का आंसर होगा सेंटर लाइन, केंद्र रेखा, ठीक है डियर फ्रेंड। तो हमारा लेसन है वो क्लियर हो गया है, ठीक है, लाइन से संबंधित, रेखाओं से संबंधित। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर कर दीजिएगा, और याद रखिए हर शाम 8 बजे आपको मिलेगा एक नया वीडियो ओनली ऑन हमारे चैनल पर। इसके अलावा हर शाम 6 बजे आपको एक नया क्वेश्चन मिलता है हमारी क्वेश्चन क्विज में, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट डे वाले वीडियो के साथ में मिल जाता है। इसके अलावा आपको टेक्निकल जॉब रिक्वायरमेंट की वीडियो, टेक्निकल नोटिफिकेशन की वीडियो या फिर और कोई टेक्निकल संबंधी कोई भी जानकारी होती है उसके वीडियो भी हमारे चैनल पर मिल जाते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट।